गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। हम कुछ बोर्ड के जो प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्नों पत्र के आधारित जो प्रश्न पूछे एक दो प्रश्न उससे हल करते हैं पुनरावर्तन के रूप में। ये जो प्रश्न था 2018 मार्च 2018 का ये प्रश्न, इसमें चार प्रश्न पूछे गए थे तो उस समय दो दो अंक के लिए पूछे जा रहे थे, तो उसके लिए वो प्रश्न के उत्तर थे। पहला था जन आंदोलन, सिर्फ तीन थे, किसी में विग्रह पूछा गया था, किसी में समझ पर प्रश्न एक ही था और उसका भेद आपको अलग अलग रूप में था। इसमें जन आंदोलन समास विग्रह करके आपको क्या हो जाएगा, जन का आंदोलन क्या हो जाएगा, जन का आंदोलन। ये जो होगा विद्यार्थी कौन सा भेद हो जाएगा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। ये तीनों सेटों में अलग अलग रूप में पूछा गया था, किसी में विग्रह दिया गया था, किसी में समास पद दिया गया था, तो वो अलग अलग रूप में पूछा गया था। नव निधि दूसरा प्रश्न एक पत्र था, आधा मास जो है विद्यार्थी इसका होता है और आधा मास इसका, इस प्रकार के आपके अंक की योजना होते हैं। अब यहां देखते हैं नव निधि, नव निधि का उन्होंने कहा था कि अगर आप लिख रहे हैं नव अर्थात नई है जो निधि, नौ यथा नई है जो निधि, तब तो यह हो जाएगा कर्मधारय समास। अगर आपने ऐसा किया, कुछ विद्यार्थी इसको दूसरे रूप में भी कर सकते हैं, नौ या नौ निधियों का समूह या समाह। कुछ विद्यार्थी ने ऐसा भी क्या किया हो तो आंसर की में उन्होंने दिया था कि उसे आप क्या कहेंगे, द्विगु समास है। अगर आपने यह किया है तब भी राइट है और ऐसा किया है तब भी वह सही उत्तर होगा। तो आंसर के लिए हमने दोनों उत्तरों को समाहित किया। अगला दिया था समय के अनुसार समस पद बनाकर उसके भेद लिखिए। अब समस पद बनाना है अर्थात जोड़ना है, क्या आ जाएगा, समय के अनुसार यथा समय, क्या बनेगा, यथा उत्तर होगा यथा समय। अनुसार हमेशा अव्यय भाव समास में लगता है विद्यार्थी, इसको लिखेंगे आप अव्यय भाव समास, अव्यय भाव समास। अब यहां देखिए विद्यार्थी की 2014 का प्रश्न आपके पाठ पुस्तक के पीछे दिया गया है, तो उसमें से मैंने दो उदाहरण लिए कि समस पद का विग्रह करके समास का नाम, ये 2014 में पूछा गया। अब इसका महाजन जो शब्द है, महाजन तो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास, तो महान है जो है, महान जो जन, तो इसका क्योंकि महाजन विशेषण विशेष है तो इसको कहेंगे कर्मधारय समास, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अगला था भाई महान, यहां पर देखिए योजक है, तो
द्विभाजक है, इसको तो आप गुणकर आप पहचानेंगे, एकदम सरल है। कौन सा? वर्ग व समास, इसको आप कहेंगे भाई और बहन, इसको आप कहेंगे द्वंद्व समास। इस प्रकार बोर्ड में भी विद्यार्थी आपके ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां मैंने 2018 मार्च और 2014 से बोर्ड में ये पूछा गया प्रश्न को हमने हल किया। धन्यवाद।